الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات على أن يبايعنك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله يحيي القلب الميت بنور كلامهم كما يحيي الأرض الميتة بماء السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام معزز بزرگان دین سامعین کرام عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سے دائمی صحت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمر کے ساتھ دائمی صحت عطا فرمائے اور اللہ کے حکموں کو پابندی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آئے دن شب و روز یہ دنیا ترقی کی منزل طے کر رہی ہے اور سائنس نے اپنا تمغہ منوا لیا ہے اور سائنس کے ایجاد کیے ہوئے وہ سب آلات مثلاً انٹرنیٹ وغیرہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ وغیرہ اتنا
पूरी दुनिया में आम हो गया है कि उस सैटेलाइट और इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया की कोई चीज़ अब मख्फी नहीं रही। और एक अजीब मरहला से दुनिया गुज़र रही है, लोग गुज़र रहे हैं। इस इंटरनेट ने आकर हर मुश्किल और हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बना दे रही है और मुश्किल चीज़ को आसान कर दे रही है। बेशक इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है, तरद्दुद की कोई जगह नहीं है कि इंसान के आराम और ऐश के सामान आए दिन इतना ज़्यादा मुहैया हो रहा है कि इंसान को अपने आराम व आशाइश, अपने मौज और मस्ती, अपने उम्दा से उम्दा खाने पीने की सारी चीज़ें मुहैया की जा रही हैं। आज हमको सब कुछ ऐश करने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें एक मामूली से मामूली गांव तक भी पहुंच जा रही है। गांव वालों को भी मुहैया है, शहर वालों को भी वो सारी चीज़ें मुहैया हैं, सबको मिल जा रही है। ऐश व आराम करने के लिए, मौज व मस्ती करने के लिए सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। जहाँ एक तरफ आराम और राहत, चैन और सुकून, मौज और मस्ती के सामान मिल रहे हैं, वहीं इस इंटरनेट के दौर में बुराई भी तेज़ी से फैल रही है और गांव-गांव तक जैसे साइंस पहुंच रहा है, साइंस की बुराई भी पहुंच रही है। आज इस इंटरनेट के दौर में बुराई इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंसान को खुद अपने अब जान का भी भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कब कौन किस पर अटैक कर दे, इसकी कोई ख़बर नहीं। कभी कोई मुल्क किसी मुल्क पर अटैक कर देता है, कभी कोई स्टेट दूसरे स्टेट पर हमला कर देता है, कभी कोई एक शहर दूसरे शहर पर, एक गांव वाले दूसरे गांव वाले पर, एक ख़ानदान वाले दूसरे ख़ानदान वाले पर, एक मज़हब वाले दूसरे मज़हब वाले पर जानलेवा हमला कर देते हैं। अंदर से बाहर से सारा चैन और सुकून का सामान तो है,
सारा आराम और राहत का सामान तो है लेकिन अंदर से चैन और सुकून नहीं है। सब सहमे हुए हैं और घबराए हुए हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, हमारे दीन और इस्लाम पर भी हमला हो रहा है, बाहर वालों का भी हमला हो रहा है और अपनों का भी हमला हो रहा है। अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा कि दुनिया की ये सारी जो बेईमान कौमें हैं, दुनिया के जो ये सारे और मजाहिब वाले हैं, मजाहिब बातिला, ये तो इस्लाम को इस्लाम के पीछे पड़ गए हैं हाथ धोकर। ये इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, दीन को मिटाना चाहते हैं, मुसलमानों का खात्मा करना चाहते हैं। इनको इस्लाम और मुसलमान से दुश्मनी है। आए दिन इस्लाम और मुसलमानों पर तरह तरह से हमला हो रहा है और उनकी नापाक साजिशें और कोशिशें जारी हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाए, मुसलमानों को बदनाम किया जाए और मुसलमान के अलावा गैरों को एकजुट किया जाए, इकट्ठा किया जाए और गैरों के, मुसलमानों के अलावा गैरों के दिलों में, नॉन मुस्लिम्स के दिलों में इस्लाम की बदगुमानी और मुसलमानों की बदगुमानी पैदा कर दी जाए और गैरों को इस्लाम से और मुसलमानों से हटा दिया जाए, बदगुमान कर दिया जाए। अब इस वास्ते वो तरह तरह से इस्लाम और मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाकर ये बदनाम करने का बहुत बड़ा प्लान और साजिश रचा है और ये सब कंटिन्यू किया जा रहा है, हमेशा किया जा रहा है। ये तो गैरों की तरफ से, इस्लाम दुश्मनों की तरफ से हो रहा है और खुद मुसलमानों का हाल क्या है कि ये मुसलमान बेहिसाब बेशुमार फिरकों में बट गए हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों में बट गए हैं, मुख्तलिफ मसलकों में बट गए हैं। यहाँ वालों का तरीक़ा कुछ और है, वहाँ वालों का तरीक़ा कुछ और है, इन लोगों का फ़िरका कुछ और है, उन मुसलमानों का फ़िरका कुछ और है, इस मुल्क का फ़िरका कुछ और है, उस मुल्क का फ़िरका कुछ और है। इस तरह से फ़िरकों में और मसलकों में हम बट गए हैं और तरह तरह के रस्म व रिवाज में और खुराफात वाहियात में मुसलमान आपस में तकसीम हो गए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अब खुद मुसलमानों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फ़िरका सही है और कौन सा फ़िरका गलत है, कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे तबके, वो भी गुमराह हो जा रहे हैं,
वो भी भटक जा रहे हैं, बहक जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों में दीन की ठोस और मजबूत तालीम नहीं है, दीन की बुनियादी बेसिक तालीम नहीं है, दीन के बुनियादी मसाइल से मुसलमान वाकिफ नहीं है। इसलिए गुमराह फिरकों की निशानदही और पहचान हम खुद मुसलमान कर नहीं पा रहे हैं कि कौन सा फिरका गुमराह है, बहके हुए हैं, और कौन सा फिरका सही रास्ते की तरफ गामजन है और सिरात मुस्तकीम पर वो कायम है, यही समझ में नहीं आ रहा। हिदायत पर कौन सा फिरका, कौन सी जमात कायम है और गुमराही पर कौन सी जमात चल रही है, इसकी तमीज़ और इसका फ़र्क हमें नहीं हो रहा। और ये बुनियादी और बेसिक मालूमात और मसाइल दीन के ना जानने की वजह से हम कभी कोई इसकी झोली में जाते हैं, कभी उसकी झोली में जाते हैं। जिस जमात को जिस पर हाथ लग जाता है उसको अपना अकीदत मंद अपना गिरविदा बना लेता है और अपनी जमात में शामिल कर लेता है। इसलिए पहली और बुनियादी बात यह है कि हम माँ बाप को चाहिए कि हम अपनी औलाद को किसी भी हाल पर दीन की बुनियादी तालीम ज़रूर सिखाएं। कुरान सीखने के साथ साथ वो दीन की बुनियादी इतनी तालीम ले लें, इतने बुनियादी मसाइल वो जान लें ताकि वो गुमराह फिरकों के झोली में जाने से बच जाएं और गुमराह फिरकों के हाथ लगने से वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपने ईमान की हिफाजत करना, अपना ईमान को बचाना, ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। इसके लिए हर मुसलमान को फिक्र करनी चाहिए और उसके लिए मुजाहदा करना चाहिए और उसकी तदबीरें इख्तियार करनी चाहिए, जिन तदबीरों के ज़रिए से वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकेंगे। हमें अहलुल्ला अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनसे हमें बयात होनी चाहिए और उनके साथ हमें ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, तब जाकर कहीं हमारे ईमान की हिफाजत हो सकती है। नहीं तो हमारा दिल मुर्दार हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा और हम किसी की झोली में भी चले जाएंगे और कोई भी जमात, कोई भी फिरका, चाहे वो गुमराह ही क्यों ना हो, हम उसके दांव में आ जाएंगे और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम उसके हाथ लग जाएंगे और इस तरह से हमारा ईमान ख़राब हो जाएगा और हम ईमान व अमल से महरूम रह जाएंगे, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। एक हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम पर उलमा की मजलिस, अल्लाह वालों की मजलिस लाजिम है, ज़रूरी है कि तुम अल्लाह वालों की मजलिस में बैठा करो, उनकी दानाई और हिकमत की बातों को सुना करो। क्यों? कि उनकी वो नूरानी बातों को सुनने के बाद अल्लाह ने उनके कलाम में, उनकी बातों में वो नूर छुपा कर रखा है, वो हिदायत छुपा कर रखा है। उनकी बातों को सुनेंगे तो तुम्हारा मुर्दार दिल वो ज़िंदा हो जाएगा, तुम्हारे दिल को
जिला मिलेगा, तुम्हारे दिल में हिदायत का नूर पैदा होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जैसे अल्लाह पाक आसमान के पानी से, बरसात के पानी से अल्लाह जैसे मुर्दार ज़मीन को, जिस मुर्दार ज़मीन के पेड़ पौधे सब जलकर सूख गए थे और सब यानी ज़मीन फट गई थी और पत्ते सब झड़ गए थे, लेकिन जब वो आसमान से अल्लाह पानी बरसाता है, उस पानी के ज़रिए से वो मुर्दार ज़मीन फिर से ज़िंदा हो जाती है, तरोताज़ा हो जाती है और उसमें हरे भरे सब पेड़ और पौधे उगने लगते हैं और चारों तरफ हरियाला हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, चारों तरफ घास फूस उग जाते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे ही तुम्हारा दिल भी तरोताज़ा हो जाएगा ईमान के नूर से। ईमान का नूर, हिदायत का नूर तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगा इन अहलुल्लाह अल्लाह वालों औलिया अल्लाह की मजलिस में बैठने से। लेकिन वो बैठना तो हम छोड़ ही दिए हैं, इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम कोई अल्लाह वाले से अपना ताल्लुक कायम करें और उनसे हम बैत हो जाएं, उनके साथ फ़ोन में राबता रखें, उनसे बातचीत करें, उनसे गाहे गाहे कभी कभी मुलाकात करते रहें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज के दौर में अगर हम अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ये काम भी हमको करना चाहिए। लेकिन इस दौर में चूंकि ये गुमराही का दौर है, ये बुराई का दौर है, हमला चारों तरफ से हो रहा है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लिहाजा इस दौर में पीरों की भी कमी नहीं है, और अजीब अजीब पीर भी निकले हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जो कौम को गुमराह करने के लिए, कौम को गलत रास्ता दिखाने के लिए, कौम की गलत रहनुमाई करने के लिए ऐसे गलत सलत और पीर भी निकले हैं जो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों भोंडे हैं, और जिनके अंदर हकीकत में दीन की मजबूत तालीम नहीं है, जिनके पास अल्लाह का खौफ नहीं है, जिनके जिनकी तबीयत में नबी करीम सल्लम की सुन्नत नहीं है, वो सुन्नत के पाबंद नहीं है, वो शरीयत के पाबंद नहीं है, हराम काम के मुर्तकिब हैं, हराम काम करते हैं, लेकिन ऊपर से पीर का लेबल और लकब लिए हुए हैं और लोगों को इस तरह से वो भटका रहे हैं और लोगों को यानी गुमराह कर रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, और वो अपना अपना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वो अपना अपना यानी जमात बंदी करके अपना एक ग्रुप तैयार कर रहे हैं, एक जमात तैयार कर रहे हैं, और एक तरह से एक यानी ऐसा गुमराह फिरका फैला हुआ है और गुमराह फिरकों की तरफ से ये सारी दावतें भी चल रही हैं। लिहाजा हमें एक बात की पहचान करनी है, एक बात हमें मालूम करनी है, वो ये है कि सही पीर कौन है, किस पीर को हमें अपनाना चाहिए, कैसा अहलुल्लाह के साथ, किस तरह के शेख के साथ हमें ताल्लुक अपना कायम करना चाहिए, उस शेख की, उस अहलुल्लाह की, उस अल्लाह वाले की सही पहचान हमें होनी चाहिए और उसकी पहचान करनी चाहिए। और उसकी पहचान का सबसे पहले तरीका यह है कि अपने इलाके में आप जिन लोगों, जिन उलमाए किराम को मानते हैं, जिन उलमाए किराम से आपका ताल्लुक है, अपने इलाके के उलमाए किराम से पहले आपको मालूम करना चाहिए कि वो फलां पीर साहब कैसे है, उनसे मुरीद होना सही होगा या नहीं, ये मालूम करना चाहिए। उलमा से जानकारी लेनी चाहिए, उस पीर के बारे में मालूम करना चाहिए, तहकीक करना चाहिए कि वो सही पीर भी है या गलत पीर है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बाज दफा आदमी जाहिरी शक्ल को देखकर भटक जाता है,
बहक जाता है, वो कुछ और समझ लेता है, लेकिन हकीकत में जो उसका जाहिर है वो उसका बातिन नहीं है। और बाज़ दफ़ा आजकल के दौर में कुछ ऐसी खर्क आदत, कुछ ऐसी बातें हम यानी जादू के ज़रिए से, किसी और यानी सिफली इल्म के ज़रिए से कुछ चीज़ें हासिल कर लेते हैं कुछ लोग, फिर वो पगड़ी और यानी चोला पहनकर फिर वो उस सिफली इल्म को जाहिर करते हैं, और लोग उसको करामत समझकर उससे मुतासिर हो जाते हैं और उसको अपना सही पीर मान लेते हैं। इसका मैं एक बहुत मुस्तनद वाकया सुनाता हूँ। हजरत बड़े मुफ्ती साहब, पूरी दुनिया के बड़े मुफ्ती साहब माने जाते हैं, जनाब हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन गंगूही रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ऊंचे बड़े आलिम थे और बहुत बड़े अल्लाह के वली, उनको यानी कुतुब कहा जाता है कि इतने बड़े अल्लाह के वली थे हजरत महमूदुल हसन गंगूही रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी किताब अपने मलफूजात में एक वाकया लिखा है कि एक साहब उनका नाम था अब्दुल हक नाम था, और वो मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के पास रहा करते थे। वो इंडिया के, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इतने पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते थे, हर रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात करते थे, चाहे ख्वाब में हो चाहे बिल्कुल आमने सामने हो, इस तरह से हर रोज़ मुलाकात होती है। और एक बुज़ुर्गों की एक किस्म है, जिन बुज़ुर्गों को, जिन अल्लाह के वलियों को रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, उनको साहेब हुजूरी बोलते हैं। तो ये अब्दुल हक साहेब हुजूरी थे कि रोज़ाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात और दीदार होती थी। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल हक से फरमाते हैं कि अब्दुल हक, तुम्हें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा, तुम्हें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा, और बेचारे हिंदुस्तान के गरीबान हिंद पर तुम्हें नजर करम करना पड़ेगा, वो बहक जा रहे हैं और उनको सही रास्ते में लाने के लिए तुम्हें वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, गरीबान हिंद पर नजर शफ़क़त तुम्हें करनी पड़ेगी, नजर करम करना पड़ेगा, लिहाजा तुम हिंदुस्तान चले जाओ। तो अब्दुल हक ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, यहाँ आपके दीदार का रोज़ाना हमें शरफ हासिल होता है, रोज़ाना आपकी मुलाकात होती है, हम इस नेमत से महरूम रह जाएंगे, हिंदुस्तान चले जाएंगे तो बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा, मसाफत बहुत लंबी हो जाएगी। तो नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि कोई बात नहीं है, वहाँ भी तुमको ये मौका दिया जाएगा, हम वहाँ भी तुमसे मिलेंगे, तुम जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हिंदुस्तान भेजा देते हैं। हिंदुस्तान में आकर दिल्ली में हजरत अब्दुल हक बुज़ुर्ग, उन्होंने वहाँ क़याम किया और दर्स व तदरीस का मशगला चालू किया, हदीस पढ़ाने लगे लोगों को, और जहाँ जहाँ बुज़ुर्गान दीन का खानका था, जहाँ अल्लाह अल्लाह का ज़र्ब लगाया जा रहा था, उन खानकाहों में पहुँचते थे, उन अल्लाह वालों से रब्त कायम करते थे, उनसे बातचीत होती थी और काम की तरतीब बनाते थे कि किस तरह से हिंदुस्तान में लोगों को, बहके हुए भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाया जाए, और इन बहके हुए पीरों का कैसे मुकाबला किया जाए। तो इस तरह से एक दिन हजरत अब्दुल हक साहब बुज़ुर्ग को इत्तला मिली कि फलां जगह में एक बुज़ुर्ग आए हुए हैं। तो पहुँचे बेचारे, जाकर देखते हैं कि एक दुर्वेश एक फ़कीर है और लोगों का बहुत बड़ा मजमा है,
बहुत बड़ा जत्था लोगों का वहाँ जमा हुआ है, जमा हुए हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। तो हज़रत अब्दुल हक भी उस दुर्वेश उस फ़कीर के पास पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि फ़कीर के पास पास एक शराब का प्याला रखा हुआ है। फ़कीर वो समझ गया अब्दुल हक को और उसने कहा कि ए अब्दुल हक ये प्याला पी ले। तो अब्दुल हक ने जवाब दिया कि नहीं मैं नहीं पी सकता हूँ, ये तो शराब है, शराब पीना हराम है, ये काम मैं नहीं कर सकता। चल तो उसने कुछ नहीं बोला। अब्दुल हक साहब वहाँ से चले आए तो आकर रात में ख्वाब देखते हैं कि लोग कहीं लोग कहीं चले जा रहे हैं। तो अब्दुल हक उन लोगों से जाने वालों से पूछते हैं कि अरे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। तो उन लोगों ने कहा कि फला जगह में फला मकान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अब्दुल हक कहते हैं कि ख्वाब की बात थी, मैं भी उन लोगों के पीछे चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। फिर वहाँ पहुँच कर देखते हैं कि जिस कमरे में जिस हाल में आप सल्लम होंगे उसके गेट पर वही दुर्वेश फ़कीर जो शराब का प्याला पीने के लिए दे रहा था वही डंडा लेकर खड़ा है और सब लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दे रहा है, और मैं जाना चाहा तो मुझे डंडा लेकर मारना शुरू कर दिया। हाँ, डंडा उठाया मेरे ऊपर कि तू जा, तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा, तूने वो प्याला क्यों नहीं पिया, मैं मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा गया और मैं ला हौला वला कुव्वता पढ़ने लगा, इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगा और दिल दिल में सोचने लगा कि ये कैसी बात है, ये तो इबलीस का ख्वाब है, ये इबलीस की तरफ से है, एक शैतानी धोखा है, ये तो अच्छा मालूम नहीं हो रहा है कि शराब पीऊँ तो अंदर नबी करीम सल्लम की ज़्यारत होगी और शराब नहीं पीऊँ तो नहीं ज़्यारत होगी। ये तो अजीब बात है कि एक हराम काम करके नबी करीम सल्लम की ज़्यारत होगी। फिर दूसरे दिन उसी फकीर दुर्वेश के पास पहुंचे, तो पहुंचने के बाद जैसा ही मैं पहुंचा तो वो फकीर कह रहा था मुस्कुराकर, अरे अब तो पी ले ये शराब का प्याला पी ले मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। तो ये अब्दुल हक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारा ये ढोंग किसी और को दिखाना, मुझे तुम ये सब शगुफ़े मुझे मत छोड़ो, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, किसी और को बहकाना, मैं शराब नहीं पी सकता हूँ। फिर दूसरे दिन भी चले आए, दूसरे दिन भी ख्वाब आया, ख्वाब में सेम वैसा ही हुआ जो पहले दिन हुआ था। दूसरे दिन ख्वाब में भी वो फकीर डंडा लेकर खड़ा है, अंदर जाने नहीं दिया। तो तीसरे दिन फिर पहुँचे उसी फकीर और दुर्वेश के पास, पहुँचने से वो फकीर और दुर्वेश कहा कि देख दो दिन हो गया तेरी नबी करीम सल्लम के साथ ज़्यारत नहीं होगी, तू प्याला अगर नहीं पिएगा। तो अब्दुल हक ने कहा कि अगर जिंदगी भर भी अगर नबी करीम सल्लम की ज़्यारत ना हो और मुझे शराब पीना पड़े, मैं हराम काम करके नबी करीम सल्लम की ज़्यारत करना नहीं चाहता हूँ, मुझे अगर ज़िंदगी भर भर भी ज़्यारत ना हो तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं ये हराम काम जो नबी करीम सल्लम ने मना फरमाया है, जिस पर नबी करीम सल्लम ने लानत की है, वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, बोलकर चले आए। तीसरे दिन फिर ख्वाब आया, वही ख्वाब, वही डंडा लेकर वो खड़ा है, लेकिन तीसरे दिन अंदर से आवाज़ आ रही है कि नबी करीम सल्लम ऐसा बोल रहे हैं कि वो मेरा अब्दुल हक कहाँ गया,
दो दिन हो गया वो मेरे साथ मुलाकात नहीं कर रहा है, मेरे पास आ नहीं रहा है, और ये आवाज़ अब्दुल हक साहब ने बाहर से सुन ली तो वहीं से उसने पुकार कर बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं तो यहाँ हाजिर हूँ, मैं तो दो रोज़ से आ रहा हूँ, लेकिन ये दरवाजे में एक फ़कीर शराबी कबाबी वो खड़ा है डंडा लेकर, वो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं हजरत आपके दीदार से दो रोज़ महरूम हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ अंदर। तो आप सल्लम अंदर से बोल रहे हैं कि वो दरवाजे में कौन है, बोले ऐसा वो एक शराबी फ़कीर खड़ा है डंडा लेकर। तो आप सल्लम का वो जुमला उस ख्वाब में नकल किया गया है, अब्दुल हक फरमाते हैं कि आप सल्लम ने फरमाया, इख्सा या कल्ब, अए कुत्ते तुम दफा हो जाओ, यहाँ से चलो भागो यहाँ से। तो इतने में ये ख्वाब वहाँ ख़त्म हो गया। फिर अब्दुल हक तीसरे दिन फिर हशाश बशाश होकर चेहरे में रौनक था, खुशियाँ थी, फिर उस दुर्वेश के पास आए। दुर्वेश के पास आकर देखे कि पूरे मजमा तो चारों तरफ लगा हुआ है, लोगों की भीड़ है, लेकिन दुर्वेश नज़र नहीं आ रही है, वो फ़कीर नज़र नहीं आ रहा है, प्याला वाला फ़कीर वो नज़र नहीं आ रहा है। तो अब्दुल हक ने लोगों से पूछा कि भाई आपका पीर साहब कहाँ गए, बोले अंदर हैं, बोले फिर क्यों नहीं आ रहे हैं। जाकर अब्दुल हक ने दस्तक दी, कुंडा बजाया, आवाज़ दी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, तो दरवाज़ा ढकेल कर अंदर गए, तो अंदर देखे तो कोई भी नहीं है। तो अब्दुल हक ने लोगों से कहा, अरे भाई आप लोगों का पीर साहब तो अंदर नहीं है, बोले नहीं है, पीर साहब तो अंदर ही हैं, और भाग जाने का तो कहीं रास्ता नहीं है, जाएंगे तो इधर से ही जाएंगे, और कोई तो निकले भी नहीं, कोई गए भी नहीं, पीर साहब कहाँ चले गए। तो लोगों को हैरत हो रही थी, लग रहा था कि पीर साहब की करामत जाहिर हो गई है, और पीर साहब छुप कर निकल कर चले गए हैं, और किसी को पीर साहब दिखाई नहीं दिया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इतने में अब्दुल हक ने कहा कि कोई चीज़ गई है, ऐसा आप लोगों को लगा है, बोले हाँ एक कुत्ता निकल कर गया है, ये तो हम लोगों ने देखा। तो अब्दुल हक साहब ने उसने तीन दिन का ख्वाब जिक्र किया, वो सारा वाकया लोगों को बयान किया कि वाकया ये था कि ये जालिम जो पीर की शक्ल इख्तियार करके लोगों को गुमराह कर रहा था, अल्लाह के दीन को मस्क कर रहा था, अल्लाह के दीन को इस तरह से बदल रहा था, तो अल्लाह ताला ने उसकी सूरत को कुत्ता की सूरत में बदल दिया, और अल्लाह के नबी ने जो उससे कह दिया था कि आए कुत्ता तू यहाँ से दफा हो जा, तो ये आप सल्लम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उसको कुत्ता की शक्ल में बदल दिया, और वो कुत्ता बनकर यहाँ से रूपोश हो गया, भाग गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ऐसे ऐसे जाली पीर होते हैं, ऐसे धंधेबाज पीर होते हैं, और ऐसे ऐसे यानी जो धोखाबाज पीर होते हैं, जो हकीकत में वो अल्लाह के प्यारे नहीं होते हैं, वो नबी के प्यारे नहीं होते हैं, उनके पास सिफली इल्म होता है, उनके पास कुछ जादूगरी होती है, वो जादूगरी और सिफली इल्म के ज़रिए से लोगों को इतना मुतासिर कर लेते हैं, लोगों को अपने करीब कर लेते हैं, लोग बेचारे चूँकि उनके पास बुनियादी इल्म होता नहीं है, वो जानते नहीं हैं, इसलिए वो बहक जाते हैं और उसके पल्ले में पड़ जाते हैं। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और इस तरह से आज हम भी इस तरह से बहक जा रहे हैं, और हमारे इस इलाके में भी इस तरह के पीर पैदा हो रहे हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये अब वो वक्त आ गया है, हमें अगर ईमान की को बचाना है, हिफाजत करनी है, तो हम अच्छे अल्लाह वाले पीर को ढूंढें और उनके साथ अपनी निस्बत को जोड़ें और उनसे बयत हों। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक बात आप लोगों से अर्ज कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। ये सैयद अहमद शहीद बरेलवी, राय बरेलवी
रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े हिंदुस्तान के हिंदुस्तान की ज़मीन में बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, और इन्होंने भी यानी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई में इन ये भी शहीद हुए हैं। हज़रत अहमद शहीद राय बरेलवी जो बालाकोट में वहाँ जाकर शहीद हुए थे, ये बहुत यानी 57 यानी आपका जो 1700 ईस्वी का ये वाकया है। हज़रत अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, इनके मुरीद थे हज़रत अब्दुल हक लखनवी, अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये भी बहुत बड़े आलिम थे, और हज़ारों ऐसे उनके मुरीदान थे। बहरहाल इनका ये वाकया सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत ऊंचे पाए के आलिम थे, और ये उम्र में बड़े थे और पीर साहब की उम्र कम थी, अहमद शहीद बरेलवी की उम्र कम थी, अभी इनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जो पीर साहब है, उन्होंने कहा हज़रत अब्दुल हई साहब से, हज़रत मौलाना अब्दुल हई साहब से कि देखो अगर हमारे पीर साहब कह रहे अगर हमारे हमसे अगर मुझसे अगर कोई खिलाफ है सुन्नत काम हो जाता है, शरीयत के ख़िलाफ़ सुन्नत के ख़िलाफ़ अगर कोई काम हो जाए तो आप हमें फौरन मुत्तला कर दें, फौरन हमें बता दें। तो कहने लगे मौलाना अब्दुल हई साहब कि अब्दुल हई इतना सस्ता नहीं कि आप सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करेंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ काम करेंगे और ये अब्दुल हई आपके साथ रहेगा, ऐसा हो नहीं सकेगा। जिस दिन आपसे कोई शरीयत के ख़िलाफ़ काम होगा और वो मैं देखूँगा तो अब्दुल हई उस दिन तुम्हारे पास से अलग हो जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, फिर हज़रत अहमद शहीद राय बरेलवी की शादी हुई, शादी होने से जिस दिन शादी हुई शबे ज़ुफ़ाब के दिन सुबह की नमाज में थोड़ी देर हो गई, नमाज तो पढ़े हैं जमात के साथ लेकिन थोड़ी देर हो गई, तो उस दिन तो अब्दुल हई साहब कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन तकबीर उला तकबीर छूट गया था, तो दूसरे दिन मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने नमाज के सलाम फिराने के बाद कहने लगे पीर साहब ये अल्लाह की इबादत होगी, ये मौज मस्ती होगी, ये शादी की इशरत होगी या अल्लाह की इबादत होगी, आपका तकबीर उला क्यों छूट गया है, क्यों फौत हो गया है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, पीर साहब ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, खामोशी से अपनी गलती का इकरार कर लिए, और फिर उसके बाद से कोई भी दिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अपने मामूल के मुताबिक तहज्जुद के वक्त से आकर हाजिर हो जाते थे। ये हैं पीर, इनको बोलते हैं पीर। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर कोई शख्स अगर वो हवा में भी उड़ने लगे और उसका काम शरीयत के ख़िलाफ़ हो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो वो हरगिज़ वो कोई पीर कामिल नहीं बन सकता है, वो कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता है, वो जालिम है, वो ईमान लुटेरा है, वो ईमान को लुटने वाला है, वो गुमराह है। उसके हवा में उड़ने की वजह से हम ये यकीन ना कर लें कि वो अल्लाह का बहुत बड़ा वली है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर पीर को पहचानना है तो देखो उसका दीन को, उसकी शरीयत को, उसका अमल को, उसकी सच्चाई को, उसकी ईमानदारी को, उसके अखलाक को, उसकी नमाज को, उसका तहज्जुद को, उसकी और इबादतों को, उसकी ज़र्ब लगाने को, रातों में खड़े होकर नवाफिल पढ़ने को, अल्लाह के नाम लेने को। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसके अंदर सुन्नत का ज़ौक कितना है, वो सुन्नत पर कितना अमल कर रहा है, वो कितना दीन और इस्लाम का पाबंद है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये मेयार है पीर को पहचानने का, ये कसौटी है शेख को पहचानने का। अगर अगर इस कसौटी पर कोई शेख कोई आलिम कोई पीर उतरता है तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप आंख बंद करके उसको इख्तियार कर लीजिए और उससे उससे बैत ले लीजिए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये कामयाबी की दलील होगी। इसलिए आप लोगों से ये
अर्ज है कि अभी जुमरात आने वाली जो जुमरात है मदरसा अनवारुल नूरुल उलूम आपका इसमें हुगली में हुगली पांडुआ में बहुत बड़ा मदरसा है इस वक्त हमारे यानी इस बंगाल के बड़े मदरसों में एक मदरसा है, उस मदरसे का एक बहुत बड़ा मुफ्ती साहब, बहुत बड़े आलिम, जैद आलिम और बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे शेख हैं, पीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आएंगे जुमरात को यहाँ। आप लोग मगरिब के वक्त आएँ, अगर किसी का दिल चाहे उनको देखकर, उनकी बात को सुनकर बैत होना चाहें तो आप बैत होइए। हाँ, इंशाल्लाह हम लोग ये भरोसा देते हैं कि वो एक अच्छे इंसान हैं और बहुत उलमा किराम उनसे बैत हुए हैं, यहाँ के भी उलमा किराम और अवाम बहुत सारे बैत हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।